अरे सुनती हो, क्या तुमसे शादी करके मुझे एक फायदा हुआ है, क्या मुझे मेरे गुनाहों की सजा इसी जन्म में मिली। ये सुनते हो, खुश नसीब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अनमैरिड। हमारी पड़ोसी कविता को उसके पति हर दूसरे महीने घुमाने ले जाते हैं। क्या आप कभी ले गए हो? बोला तो है 2-3 बार उसको, वो हर बार मना कर देती है। पतियों को सलाह, कभी भी खाना तैयार है कि पहली आवाज में किचन में नहीं जाना चाहिए। दरअसल ये आवाज पानी भरने और प्लेट लगाने के लिए बुलावा होती है। कद्र क्या करो दोस्तों पत्नियों की, जो एक सूट पसंद करने के लिए पूरी दुकान बिखेर देती है। सोचो उसने आपको पसंद किया है। ए जी सुनते हो, घर में खुशहाली रखने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? पहली रोटी गाय को और लास्ट वाली रोटी कुत्ते को खिलानी चाहिए। वो तो मैं करती हूँ, पहली मैं खाती हूँ, लास्ट वाली आपको खिलाती हूँ। मैं शादी के बाद आपके सारे दुख बांट लूंगी। अरे पर मैं दुखी कहाँ हूँ, मैं शादी के बाद की बात कर रही हूँ। मैं अब आपको एक पैसा भी नहीं दूंगा। बस आप हमें 500 रुपए उधार दे दीजिए, आपकी सैलरी आते ही आपको वापस कर दूंगी। एक ज्ञान की बात बताऊं, लड़के की शादी के लिए लड़की को देखने के लिए पूरा खानदान जाता है, और बाद में वही लड़की पूरे खानदान को अकेले देख लेती है। नारी का मतलब शक्ति, तो पुरुष का मतलब क्या, सहन शक्ति। बाबू आपको प्यार से रहने के लिए क्या चाहिए? सुकून और चैन। अच्छा आपको क्या चाहिए? अंगूठी और चैन। अच्छा एक बात बताओ, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भावना। वो कैसे? क्योंकि इसमें सब बह जाते हैं। ये सुनते हो, बाजार से एक पैकेट दूध ले आना, अगर अंडे दिखे तो 4 ले आना। चार पैकेट दूध? हाँ अंडे दिख गए थे तो 4 पैकेट ले आया।